हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार। के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और जब आप खोलोगे कढ़ाई तो आप देख सकते हो कि इसमें से ऑयल आ रहा है, मसाले में से तेल छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। और जब ये एक बार पक जाए तो जो हमने हमारा जो अंडा था वो बॉयल किया है, उस अंडे को इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट हम लोग इसी ग्रेवी में इसको छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से अंडे में मिक्स हो सके। वो कैसे मिक्स होगा, आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग में अंडे के में कट लगाया था, उस कट के थ्रू जो मसाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें हम 10-15 मिनट छोड़ देंगे, इसको ढक के 5-10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हो कि मसाला जो अंडे में कितने अच्छे से तरह से घुल गया है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालो। अगर आपको कम पानी वाला खाना है, मतलब ग्रेवी ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप अपने हिसाब से पानी डालो। नहीं चाहिए तो मत डालो, आप ऐसे लटपट भी खा सकते हो। अब इसको थोड़े देर हम पकाएंगे ढक के, और उसके बाद अब देखो कि जब हम इसको ढक्कन हटाएंगे तो कितना प्यारा कलर आया है। जो भी तेल है वो ऊपर ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला परफेक्टली पका हुआ है। तो ऐसी और रेसिपी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छे लगे तो कमेंट और शेयर भी कर दो। ओके बाय।